कलरी लाल आदर कौन सा मस्त है ना खत बुलाओगे यहाँ पे दुकानें होती थी मतलब यानी कि दो दुकानें निचले साइड में थी, वहाँ पे जो है मतलब यानी कि गाड़ियों की रिपेयरिंग वगैरह वो होता था, और ऊपरली साइड को जो दुकानें थी तो उन दुकानों का अभी तक यहाँ पे नामो निशान ख़त्म हो गया है। दूसरा आप इस साइड में देख सकते हैं कि इसके साथ लगता है ये दधाओ का पोर्शन है जहाँ पे ये मतलब यानी कि स्लाइडिंग हुआ है, और लगभग यहाँ पे जो है 5-6 दिन जो रोड ब्लॉक रहा, पता नहीं धक्का लगा पीछे पहाड़ का क्या हुआ क्या नहीं। ये ना 12 बजे रात को हुआ, फ्लड आने के कारण से बहुत सा यहाँ पे नुकसान हुआ, जिसमें कि 3 मंजिल बिल्डिंग भी खत्म हो गई और एक फिर 4 कमरे अलग थे नीचे वो भी खत्म हो गए। जितना पैसा था सारा 10-15 लाख इसमें खर्च कर दिया। अब हम यहाँ कहाँ जाए, अब यहाँ से आप ही हमारे को कुछ बताए भाई। पूरा पहाड़ हिल गया, पूरा इस वजह से पूरा पहाड़ हिल गया। बड़ी मुश्किल से मकान लगाया था, बड़ी कर्जे कुर्जा ले गया, अभी भी मकान का कर्जा देने को रह गया इसका। फोटवा खिंचवा के डीसी को दिखा दी और हमारा कुछ नहीं बनता वहाँ जाके भी नहीं, हम तो गरीब आदमी है जी, हम कहाँ जाएंगे। डीसी साहब आए, हमने यही बोला भाई जो भी हमारे पास था हमने लगा दिया जी, हम जाएं भी तो कहाँ जाएं। अभी हाल ही में हुई वर्षा से जो यहाँ पर भूस्खलन हुआ है उससे लगता है कि ये सारे ही पहाड़ कच्चे हैं। इस भूस्खलन में लगभग 19 मकान व दुकानें दब गई, जिसमें करोड़ों का नुकसान हुआ है, लेकिन सरकारी आंकड़ों के मुताबिक लगभग 52 लाख रुपए का नुकसान इसमें आंका गया है। रेणुका बांध यहां से आधा किलोमीटर के लगभग प्रोजेक्ट बनेगा, तो जब अभी बिना ही उसके इतनी दरार आ रही है बारिश के कारण से, अगर प्रोजेक्ट बनेगा तो इससे बहुत ज़्यादा दरार खुल जाएगी और दोनों ही आर क्या पार ब्रह्मण क्या दाहो क्या धाटी तक इसका नुकसान पहुंच सकता है। देखो जी ये जो पहाड़ गिरा ना जी, ये हमें लगता है जो जहाँ जहाँ पर ये जी काली मिट्टी है ना जी, वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा गिरता है, और जहाँ पर ये डैम बनने जा रहे हैं इस एरिए में ये बहुत ज़्यादा ये काली मिट्टी। जो यहाँ की ज़मीनें हैं ये बहुत पानी को चूसने वाली है, और जब डैम बनेगा तो ये 26 किलोमीटर लंबी झील बनेगी, तो ये सारे पहाड़ पानी चूसेंगे तो ये तो सारे ही ख़त्म हो जाएंगे। दिदाव को तो बहुत ज़्यादा खतरा है, और इस बार जो बरसात से है यहाँ जो है 3 मंजिली एक बिल्डिंग, 2 मंजिली एक बिल्डिंग बिल्कुल बह के नदी में चली गई। और जहाँ पर हमारा रेणुका तीर्थ है ना जी, इसके पास में भी बिल्कुल ही ये काली मिट्टी है, और अगर ये काली मिट्टी बैठती है तो ये रेणुका के लिए भी बड़ा खतरा हो सकता है। यहाँ पे इनका पावर हाउस बनेगा जहाँ पे ये स्लाइडिंग हुई है, और इस पहाड़ी के नीचे से जो है 3 डाइवर्शन टनल निकल रही है जो कि 10-10 मीटर डाई की, तो अब इतनी मतलब यानी कि बड़ी अगर सुरंग यहाँ से निकलेगी तो इन पहाड़ों का क्या होगा। और साथ में जो है दधाऊ है, लगभग जो है ना 300 मीटर का डिस्टेंस है दधाऊ और इसमें, तो दधाऊ का भी जो है मतलब यानी कि हाल आपको दिख ही रहा है कि किस तरह से वहाँ पर स्लाइडिंग हो रही है, जबकि अभी डैम भी नहीं बना है, और डैम बनने के बाद मतलब यानी कि कितना नुकसान होगा उसका भी मतलब यानी कि जायजा लेना चाहिए सरकार को। डैम का ना मतलब जो डैम बनने जा रहा है, नहर डगने जा रही है, पानी डगने जा रहा है, जो वो यहाँ से कैंसिल करवाया जाए। कौन सा डैम? ये जो यहाँ दधाऊ रेणुका बांध बनने जा रहा है उसको। ये तो आप लोग देख ही रहे आके भाई, जब डैम बनेगा तो फिर तो कुछ नहीं रहना हमारे लिए, या तो कहीं फिर जमीन दे जाए। इसलिए हम चाहते हैं कि इसके विषय में भी कोई मुआवजा दिया जाए और प्रोजेक्ट को भी यहाँ से कैंसिल करवाया जाए। देखो यहाँ कितना नुकसान हो रहा है, आपके सामने ही दिख रहा है, पहाड़ी गिर रही है, उधर गिर जाएगा, इधर गिरने जा रहा है, तो कहाँ जाएंगे हम लोग। कहते हैं जी वहाँ के दिल्ली के लोगों को पानी पिलाया जाए, क्या यहाँ के दिल्ली के यहाँ के लोगों को डुबाया जाए। मान लीजिए पानी नहीं है, कहीं और जगह से नहीं पानी मिल सकता क्या? हम चाहते दिल्ली के लोगों को, ये चाहते हैं कि और जगह से कहीं पानी की उपलब्धि करवाएं, यहाँ से पानी नहीं, क्योंकि यहाँ के लोगों को बहुत नुकसान किया जा रहा है।